आज मसाला किचन में बन रहा है चटपटा सा अचार। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन। तो यहाँ देखिए, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इनको मैंने सबको साफ कर लिया है, धो लिया है और पोंछ लिया है। लहसुन को कैसे हम फटाफट छीलें, इसका ट्रिक मैंने माँ ये कैसे करूँ अपना दूसरा चैनल है उसमें डाला है, आप ज़रूर देखिए। और मिर्ची मैंने दो तरीके की ली हैं। अब यहाँ देखिए, लहसुन में एक ऊपर से थोड़ा सा पार्ट होता है जो ब्राउन कलर का, उसे आप ज़रूर काटिए वरना आपकी अचार को ख़राब कर देगा ये लहसुन। लहसुन करीब करीब मैंने 150 ग्राम लिया है, 100 ग्राम अदरक लिया है और 100 ग्राम के आसपास ही हरी मिर्च ले लिए हैं। अब इन्हें मैंने धो तो लिया है, अब इन्हें मैं एक बार थोड़ा सुखा लेती हूँ कपड़े से पोंछ कर। ऐसा करने से अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। साफ कपड़े से पोंछ लिया है मैंने, चाहे तो आप 15-20 मिनट पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। ये जो मैं अचार डाल रही हूँ, ये आप किसके साथ खाना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, बाजरे की रोटी के साथ या मक्के की रोटी के साथ। तीनों चीज़ों को मैंने इस तरीके से पोंछना है जैसे अंदर बिल्कुल भी मिट्टी भी ना हो और पानी भी ना हो। ये अचार तुरंत बनता है, जब मन करे खाइए। हरी मिर्च मैंने दो तरीके की ली हैं। कुछ हरी मिर्च जो डार्क कलर की हैं वो काफ़ी तीखी हैं और कुछ मिर्च जो हैं थोड़ी सी लाइट कलर की हैं वो थोड़ी कम तीखी हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपको कैसा चाहिए ये अचार। इनके डेंटल हमें हटा देने हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, तीनों चीज़ों को मैंने साफ़ करके सुखा तो लिया है, आधा आधा पार्ट तीनों चीज़ों का लेना है, जैसे अदरक भी आधी, लहसुन भी आधी और हरी मिर्च भी आधी। इसे आपको चॉपर में बारीक चॉप करना है। अगर चॉपर है तो ठीक है, नहीं चॉपर है तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं। और बाकी की लहसुन जो है उसे हम आधी आधी कलियों में कर देते हैं इस तरीके से। ऐसा करने से ये अचार आपस में लिपट जाएगा, अलग अलग नहीं होगा, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। चॉपर नहीं है कोई बात नहीं, ग्रेटर हर घर में होता है, आप ग्रेट कर लीजिए। वैसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, ऑन ऑफ करके, मतलब बंद चालू करके थोड़ा थोड़ा चलाइए तो उसमें आपका दरदरा होगा, पेस्ट नहीं होगा। ये देखिए इस तरीके से, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हम एक बड़े बोल में निकाल लेते हैं। अब बात आती है कि बाकी जो लहसुन, अदरक, हरी मिर्च है उसका क्या। ये लहसुन को मैंने लंबा लंबा काट लिया है दो फांकों में। हरी मिर्च जो है उन्हें मैंने एक एक मिर्च के तीन तीन चार चार पीस कर लिए हैं और अदरक की लंबी लंबी पीसेस कर दिए हैं। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के नमक डाल रही हूँ क्योंकि इस अचार को हमें थोड़ी देर के लिए रखना होगा। इसमें 2 से 2.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ वाइट विनेगर, जो हम चाइनीज़ फूड में यूज़ करते हैं। इसे मिक्स कीजिए। इससे अदरक लहसुन बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता। लहसुन को आप काफ़ी दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं, मेरी ये ट्रिक है, मैं आगे आपको बताऊंगी। जैसे फ्रिज में अक्सर बदबू आ जाती है लहसुन रखने में, मैं जैसे रखती हूँ कभी भी बदबू नहीं आती है। अब यहाँ पर आधा चम्मच ही सही चीनी ज़रूर डालिए। चीनी हमारी अचार को प्रिजर्व भी करती है और एक अच्छा सा टेस्ट देती है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च जिन्हें मैंने दरदरा कूट लिया है। ये है कलौंजी, जिसे अनियन सीड्स भी कहते हैं, वो मैंने 1 चम्मच लिया है। ये 1 चम्मच मैंने पीली राई दाल जो होती है मार्केट में मिल जाती है वो ली है। अगर राई दाल आपको नहीं मिले, राई दाल का मतलब पहले से ही कुटी हुई सरसों, अगर ये नहीं मिलती है तो नॉर्मल जो पीली सरसों होती है उसे आप दरदरा कूट लीजिए, उसे डाल दीजिए। ये 1 चम्मच लिया है। अब इन सबको मैरिनेट करके मैंने रख लिया है, इसे 1-2 घंटा के लिए हम रख देंगे। अब यहाँ पर मैं एक फ्राई पैन ले रही हूँ जिसमें 1 बड़ा चम्मच सूखा साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच मोटा सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी दाना,
इन सब को मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। अचार के जो मसाले होते हैं उन्हें थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ता है, जिससे उसमें मॉइस्चर ना हो और हमारी अचार लंबी चले। अब इन मसालों को मैंने सेक लिया है, एक प्लेट में निकाल देती हूँ थोड़ा ठंडा करने के लिए। इसी फ्राई पैन में मैं करीब 5 से 6 टेबलस्पून ले रही हूँ ऑयल, ये है सरसों का ऑयल। अचार में जो भी हमें ऑयल डालना होता है तो हमें सरसों का ऑयल ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सरसों का ऑयल हमारी अचार को सुरक्षित रखता है। और हाँ, इसे पकाकर ही यूज़ करना चाहिए, जिससे उससे एक्स्ट्रा जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है वो ना आए। अच्छा, जब भी हम इसको पकाने के लिए रखते हैं तो हमारी आंखें जलने लगती हैं, पूरा घर में एक महक सी आती है। लेकिन यहाँ पर आप एक ट्रिक लीजिए, आधा चम्मच नमक ज़रूर डालिए, ऐसा करने से आपकी आंखें बिल्कुल नहीं जलेंगी। ये देखिए, बिल्कुल भी आंखें नहीं जली, तेल में से अच्छे से धुआं आने लगा है, इसका मतलब ये पक चुका है। अब इसे थोड़ा ठंडा करेंगे, हल्का सा इसे ठंडा करेंगे। अब ये मसाले जो मैंने सेक के रखे हैं उन्हें मैं दरदरा कूट लेती हूँ। अब ये जो ऑयल है हल्का गुनगुना है, इसमें 1/4 टीस्पून मैं हींग डाल रही हूँ। इस हल्के गुनगुने ऑयल में मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे काफ़ी अच्छा कलर आता है, आप चाहें तो इसे मिर्च को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मिर्च हमने हरी काफ़ी डाली है, पर कश्मीरी लाल मिर्च तीखा नहीं होता, सिर्फ कलर अच्छा आता है। अब 1 से 1.5 घंटा हो गया है, इस अचार को हमने जो पीसा हुआ मसाला था, अचार के मसाले को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। अब ये जो तेल है जो हमने सेक रखा है उसे धीरे धीरे अचार में मिलाएंगे, सारी अचार को मिक्स करेंगे इस तेल के अंदर। अगर आपके पास लास्ट ईयर की कोई अचार का तेल पड़ा हो, ऊपर ऊपर तेल बच जाता है, तो आप उस तेल को भी यूज़ कर सकते हो बिना पकाए। हम तेल कई अचारों में एक्स्ट्रा डालते हैं, जिससे ऊपर ऊपर तक तेल हो तो आपकी अचार कभी भी ख़राब ना हो, पर अभी मेरे पास तो था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म करके डाला। लेकिन जब भी आप डालें तेल को थोड़ा ठंडा कर लें। अब खास बात है, हम अचार बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अगर हमने जार सही नहीं लिया तो हमारी अचार ख़राब हो सकती है। जार को बहुत ही बढ़िया अच्छे से साफ़ कर लें और उसे थोड़ी सी धूप ज़रूर दिखाएं। अगर धूप नहीं आती है तो आप किसी बर्तन में इस जार को थोड़ा बॉयल कर लें। अब आपका जार बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें अचार को डाल दीजिए। ये लीजिए, कितना परफेक्ट कलर आया है, बहुत ही बढ़िया अचार तैयार हुआ है। अब ये कल तक अचार खाने लायक हो जाएगा। एक दिन में ये अचार बनकर तैयार हो जाता है, आपकी थाली में इसका स्वाद बहुत ही मज़ेदार होगा। अब इस वक्त सीज़न है, अगर आप खाने के शौकीन हैं अचार, तो ये अचार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए।